अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों अभी जो ये आप मकबरा यहाँ देख रहे हो, ये लंगड़ा ग़ुलाम अली टोम्ब के नाम से मेंशन किया गया है गूगल मैप्स एंड ऑल, और कहा जाता है कि मीर सादिक को फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद जब सुल्तान के वफादारों ने गद्दारी के इल्ज़ाम में इसको कत्ल किया तो अंग्रेज़ों ने उसकी कब्र को वहाँ पे ना बनाकर उसको लाके यहाँ पे दफना दिया। लेकिन ग़ुलाम अली का ये टोम्ब था, ग़ुलाम अली ने अपने लिए बनवा रखा था, तो यू नो ग़ुलाम अली डिड नॉट वांटेड टू बी बरीड हियर, यानी कि ग़ुलाम अली यहाँ पे मदफून होना नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने आपको एक्चुअली ग़ुलाम अली साहब की कब्र दिखाई थी जो कृष्णगिरी में है, ये उन्हीं का टोम्ब था। लेकिन आप इसी बात से अंदाज पता चलता है यू नो कि यहाँ पे मीर सादिक को दफना दिया गया, इसीलिए ग़ुलाम अली यहाँ पे ख़ुद वो दफन होना नहीं चाहते थे, इसीलिए ही प्रिफर्ड टू बी बरीड इन कृष्णगिरी। और मैंने उनकी कब्र की वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आ रही होगी, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हो। बाय द वे यहाँ बहुत बास है भाई। वज भी खबर। और ये देखिए, ये होता है अदाब। यहाँ पे कहा जाता है कि मीर सादिक को दफना दिया गया था, पूरा गंदा छी, ये देखिए चमड़े की चिड़ियों ने हग के ना पूरा गंदा कर रखा है। अल्लाहु आलम। यहाँ में भी देखिए एक खबर है, ये किसी खातून की लग रही है। एक्चुअली यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों ने ये जाल लगाने की कोशिश की है ताकि ये चमड़े की जो चिड़ियाँ हैं जिनको बैट्स चमगादड़ कहते हैं, वो चमगादड़ बाहर ना आ सकें, तो इसलिए ये जाल लगाए हैं, लेकिन इट्स नॉट इफ़ेक्टिव। ये भी ऑलमोस्ट गिरने के कगार पे है। लेकिन इस गुंबद की या इस टोम की बनावट को आप अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत इंट्रिकेटली बनाया गया है। इसमें देखो यहाँ पे मेटल हुक्स भी हैं, मतलब पर्दे के लिए। यहाँ पे ये नए ईंटों की दीवार सपोर्ट के लिए शायद बनाए हैं। यहाँ में देखिए ये डिज़ाइन देख के ही यू नो ये 220 साल पुराना डिज़ाइन है, 220-250 साल लगभग। क्लियरली इट्स विजिबल कि यह बहुत किसी ख़ास इंसान के लिए बनाया गया मकबरा है। देखो जैसे मैंने आपको सुल्तान के गुंबद वाली वीडियो में दिखाया था कि सुल्तान के गुंबद को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की गई है, काइंड ऑफ यहाँ पे भी देखो ऐसे ही है, एंट्रेंस गेट्स हैं,
ये सब खेत हैं। सो देखा आपने, चलो एक और बार दिखा देता हूँ, इबरत की निशानी है। अल्लाह आलम इतनी गंदी बात है भाई, आई कांट टेल यू। कुछ दिन पहले ये गिर गया था इट्स, उसको भी रिनोवेट कर रहे हैं। गद्दार था, ऐसे तो रिनोवेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इबरत की निशानी है तो यू नो प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। देखो एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ कब्रें हैं, ये देखिए यहाँ पे भी तीन कब्रें हैं, इसमें एक मेल और दो फीमेल की लग रही हैं। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।